को कोई शब्द नहीं देंगे एंटरटेन करने के लिए। आत्मा परमात्मा साइलेंट बैठे हैं दोनों एकदम फॉरएवर। आइसोलेट बाबा एंड आई। और उस पोजीशन से जस्ट बी अवेयर आने वाले 5 मिनट बिल्कुल साइलेंस मुख का। बी अवेयर माइंड की क्या एक्टिविटी है। शब्द नहीं भी है कोई देने वाला तो भी क्या वो चुप बैठता है। उसको चुप करना हमारा मकसद नहीं। बस बार बार नोटिस करके अपना अटेंशन आत्मा बाबा की तरफ रखती है। बस
आज बाबा ने पूरा एसेंस ही दिया है ये मुरली में, कि आत्मा को उसकी बॉडीलेस स्थिति के बारे में बताने के लिए उसको खुद बॉडी लेनी होती है, राइट? उसको उसकी थॉटलेस स्थिति के बारे में बताने के लिए थॉट्स का माध्यम यूज करना पड़ता है, बॉडी का माध्यम यूज करना पड़ता है बॉडीलेस बताने के लिए, है ना? तो उसको उसके रथ की बहुत जरूरत है। तो आज बाबा ने बहुत क्लियर किया है, ब्रह्मा बाबा एज एन इंस्ट्रूमेंट, आप उनको रफा दफा नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि न शिव ब्रह्मा के बिना आ सकता और न ब्रह्मा शिव के बिना कुछ कर सकते। तो दोनों कंबाइंड हैं बाप दादा, कभी अलग करने का सोचना भी मत। अगर हम बाबा बोल रहे हैं तो मतलब बाप दादा साथ में हैं। ये बहुत क्लियर हो। तो शिव बाबा बच्ची को इस ब्रह्मा के रथ के द्वारा समझाता है, क्योंकि बाप बच्ची से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं ना बच्ची, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना, है ना अपना अपना रथ, तो जरूर सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको घोड़ा कहते हैं, अश्व कहते हैं, है तो मनुष्य ना। तो मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाता हूं मैं, डायरेक्ट पूछते हैं तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना हे आत्मा, अलग हो रहे हैं आप? ऐसे लगता है ना शरीर से अलग है आत्मा जब बाबा ऐसे बोलते हैं तो, हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है, यह भूल है कि 84 लाख जन्म लेती है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फा हो गए हो, बिल्कुल थक गए हो, कितने तंग हो गए हो, तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं। यह है मनुष्यों के गपोड़े। तो बाप समझाते हैं कि तू आत्मा का भी अपना अपना रथ है, तो मुझे भी तो रथ चाहिए ना। तो इवन गॉड नीड्स सपोर्ट ऑफ मैटर, हाँ परमात्मा को भी मैटर के सपोर्ट की जरूरत है मैसेज देने के लिए, आवाज नहीं तो कैसे यूज करेगा ना वो शरीर के बिना। हमारी तो इतनी बुद्धि खुली होती नहीं है उस वक्त, और आत्मा सोई पड़ी है तो कैच कैसे करेगी, साउंड से ही कैच कर सकती है, ऐसी हालत होती है अंत तक तो, है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाप समझाते हैं तुम आत्माओं को भी अपना अपना रथ है, तो मुझे भी तो रथ चाहिए ना, मैं तेरा बेहद का बाप हूं, तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की, वो इंग्लिश मुरली में अंडरलाइन किया हुआ है, भूल गई हिंदी का। तो परमात्मा को भी रथ चाहिए, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, है ना? डांस ऑफ हार्मनी बिटवीन सोल एंड नेचर, बहुत ब्यूटीफुल है ये, है ना? आत्मा जब शरीर को लेकर अपना पार्ट प्ले करती, बहुत ब्यूटीफुल थिंग है। हम शेयर कर रहे थे इंग्लिश क्लास में कि सारी रात और दिन दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, डे टाइम एंड नाइट टाइम,
दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। क्यों? सोल का मैटर के साथ डांस करना बहुत अच्छा है। क्यों? हाँ, पुरुष एंड प्रकृति के मेल का डांस, हाँ, संबंध बोलूंगी, मेल का संबंध, हाँ है ना। बंधन तो लास्ट में हो जाता है पर अभी शुरुआत में तो संबंध ही होता है आत्मा का प्रकृति के साथ, और ये बहुत सुंदर मेल है। एक्सप्रेशन होता है लोअर मैनिफेस्टेशन का, हायर मैनिफेस्टेशन का, सारे एक्सप्रेशन जरूरी हैं, है ना। बिल्कुल, डिफरेंस पता होना और अपना एब्सोल्यूट भी पता होना। तो अपने एब्सोल्यूट को पता करने के लिए लोअर और हायर मैनिफेस्टेशन दोनों जरूरी हैं, है ना, ये बाबा बोल रहे हैं। तो इसलिए डे एंड नाइट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हर एक आत्मा को अपना ही रथ है, तो मुझे भी तो रथ चाहिए। तो जब प्लेग की बीमारी स्प्रेड होती है ना, तो डॉक्टर्स को क्या कहते हैं, डॉक्टर्स को जाना पड़ता है ना प्लेग की बीमारी को ठीक करने के लिए। और इसने देखा है ये प्लेग की बीमारी है ना, जैसे कल सेंटर पे ना अभी 10 दिन मेडिटेशन चल रहा है नवरात्रे का, तो 45 मिनट्स, सो 7:15 to 8 o'clock हम जाते हैं रोज वहां अभी 10 days। तो जैसे कल वहां पे बैठी थी ना, तो बस यही था मेन, आत्मा और परमात्मा हमेशा यही होता है ना, आइसोलेटेड, बिल्कुल आइसोलेटेड, अनटच्ड। और इसने देखा यही प्लेग की बीमारी यही है एक। पहले तो देखा एक होता ना, चलते चलते एक परछाई बहुत बड़ी दिखती है, फिर परछाई धीरे धीरे छोटी 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 होती जाती है और फिर डिसअपियर हो जाती है, राइट? ऐसे होता है ना परछाई के साथ, शैडो के साथ। तो ऐसे ही लगता है कि बाबा के साथ आत्मा जो कि साइलेंट है, वो अनुभव के लिए शब्द हो नहीं सकते, शब्द शब्द को यूज नहीं किया जाता उस कर सकते उस अनुभव के लिए जिसमें आत्मा अपने एकदम साइलेंट, थॉटलेस, वर्डलेस नेचर को अनुभव कर रही है। बस उसी स्मृति से, उसी उस अनुभव से जो आत्मा का वो है एकदम साइलेंट नेचर को आ रहे हैं संकल्प, बहुत कम, धीरे धीरे, जैसे बड़ी परछाई से छोटी छोटी परछाई हो रहे हैं, फिर एकदम जैसे मर्ज हो जाते हैं, वो परछाई ही जैसे खत्म हो जाती है, मर्ज हो जाती है। खत्म तो हो नहीं सकती, जब तक बॉडी है तब तक परछाई तो है ही है, पर वो मर्ज हो जाती है एकदम साइलेंट। जो नेचर है आत्मा का, वो मेरा चेंज ही नहीं हो रहा है, ये फीलिंग मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए, पर सिर्फ उसका वो उस टाइम का अनुभव नहीं, पर वो उस अनुभव से ये क्लियर हो जाता है जो भी शब्द बोले गए हैं सिर्फ, देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का कोई महत्व नहीं है। मेडिटेशन में शब्द जो हैं वो सिर्फ दिए जा रहे हैं भले ही, पर उनका कोई महत्व नहीं है। एकदम प्योर फीलिंग आत्मा की इमर्ज जैसे रहती, एकदम प्योर फीलिंग, उसमें एकदम ऐसी फीलिंग ही होती है कि बाबा की ही फीलिंग मेरी फीलिंग है, और एकदम सूक्ष्म इम्प्योरिटी भी दिख रही है आपको,
सूक्ष्म माइन्यूटेस्ट इंप्योरिटी भी दिख रही है, पर इतना डिस्टेंस है आपके ट्रुथ में और उसमें, तो मतलब आपका साइलेंस और ये बुदबुदे की तरह बुदबुदा ही लग रहा है वो, जैसे बस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मतलब इट्स लाइक दैट. साइलेंस इज द ओनली ट्रू नेचर ऑफ द सोल, देयर इज नथिंग एल्स दैट इज पॉसिबल टू बी द सोल. कितने शब्द दे दो भले, जो जो आत्मा अगर साइलेंस में नहीं बैठती है दिन में कम से कम 20 मिनट सुबह और शाम को, बिना कोई कमेंट्री के, बिना कोई म्यूजिक के, वो आत्मा नहीं समझ सकेगी साइलेंस को. शब्द यूज कर लेंगे हम, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्रीज भी दे देंगे, बट साइलेंट नेचर आत्मा का. हम मीठी इसीलिए कर रहे हैं ताकि मैं अपने उस साइलेंट नेचर को पहचान सकूं. है ना? तो बीमारी है ये पहचान बनाने की, ये प्लेग है. इसलिए ओशन ऑफ साइलेंस बाबा को आना होता है इस बीमारी को खत्म करने के लिए. इसमें बिल्कुल जबरदस्ती नहीं थी कि मन को चुप कराएं, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं. हाँ, एंजल म्यूजिक तो चलता है अभी, तो फिर नहीं चलाएंगे आज से. और ये देख रही है एकदम अपने साइलेंट नेचर से, क्योंकि कल क्या है, म्यूजिक नहीं चलाया सेंटर पे, परसों म्यूजिक चलाया था, कल म्यूजिक नहीं चलाया. और मैं आत्मा बाबा के साथ साक्षी होकर देख रही हूँ, मन बोल रहा है आज कितना अच्छा लग रहा है, कोई म्यूजिक नहीं है. क्लास के बाद दीदी को बोलूंगी कि आप है ना अच्छा ऐसे म्यूजिक कभी मत चलाना. बोल रहा अपनी बातें, मैं साइलेंट, एकदम साइलेंट, बिल्कुल मतलब कोई असर ही नहीं, किसी संकल्प का कोई असर ही नहीं आत्मा के ऊपर. नींद आ जाती है फिर तो उस नींद के झोंके को भी साक्षी होके देख लेना. आत्मा का साइलेंस बिल्कुल शब्दों से मुक्त और संकल्पों से मुक्त, बिल्कुल जैसे परम धाम की स्थिति, और कोई तरीका नहीं है इसको देखने का. बिल्कुल नो सपोर्ट ऑफ एनी थॉट नीडेड टू बी मी. किसी संकल्प के सहारे की जरूरत नहीं है मैं कौन हूं की स्मृति के लिए भी. ये क्लियर हो जाता है, मन देगा, संकल्प देना शुरू करेगा, है ना, कि तू एकदम थॉटलेस है. ये संकल्प देगा मन, तू थॉटलेस है. और बाबा और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, जिस बाबा और आत्मा एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और संकल्प बोल रहा है इधर, यू आर अ थॉटलेस बीइंग, बॉडीलेस बीइंग. और मैं आत्मा बाबा की तरफ देख रही हूँ, बाबा
जैसे बाबा एक साइलेंटली इशारा दे रहा हो, जैसे हाथ से नहीं, मैं आपको बता रही हूँ हाथ से एक्सप्रेस करके, पर साइलेंट इशारा है, मतलब जैसे कि वो शब्दों में कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं उन शब्दों का। चाहे कितने सुंदर शब्द है, थॉटलेस बॉडीलेस, नहीं महत्व ही नहीं। आएंगे शब्द, आएंगे है ना, बोलेंगे, और एकदम चुप्पी है बाबा के साथ, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, जैसे किसी आधार की जरूरत नहीं है बाबा और मेरे साथ के लिए, जैसे वो कोशिश कर रहा है कि देखो शायद मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ जाए। नॉट नीडेड। हाँ, शब्द बाबा के हैं तो अच्छे लगते हैं, पर देखो ये शब्दों की एडिक्शन दिखेगी, मन चुप नहीं बैठेगा, बहुत कभी कभी चुप बैठेगा, कभी बोलेगा, कभी ज्यादा कभी कम होगा वो, पर आपको अपना साइलेंट नेचर बिल्कुल फील होगा कि वो टच ही नहीं कर पा रहे, बहुत दूर है, जैसे वो संकल्प बहुत दूर है, और उसमें आपकी जो प्योर फीलिंग है वो एकदम इमर्ज फील होगी, बाबा की फीलिंग्स जो एकदम ऐसे आपको महसूस आएगी कि बाबा क्या फील करता है सारा टाइम, उसमें साइलेंस में। है ना, एकदम। तो इसका मतलब ये नहीं है, हमने बोला ना मन तो बोलेगा, इट्स ओके, अनटच्ड, पर डिस्टेंस है, बहुत जबरदस्त डिस्टेंस है। तो ये बीमारी क्या होती जाती, प्लेग की दूर होती जाती, प्लेग की बीमारी। है ना, इसलिए जो बाबा ने बोला ना आज की प्लेग के बारे में, बाबा कहते हैं कि जब बीमारी हो जाती है 5 विकारों की आधा साइकिल के बाद, तब बाबा को आना ही होता है ना। मैं इंग्लिश में अंडरलाइन किया, मैं देख रही हूँ कहाँ है। तो बाबा ने ये बोला है कि मुझे पतित दुनिया में आना ही पड़ता है ना, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसकी ही महिमा गाते हैं, सर्व गुण संपन्न वहां सब सुखी थे, वह तो कल की ही तो बात है। बाबा के लिए 5,000 साल क्या है, अभी की बात है, अभी की, टाइमलेस सपना, उसके लिए एक सपने से उठा है बच्चा, अभी की तो बात है, कल की तो बात है, ये सपने से उठा है बच्चा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप कहते हैं मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं, पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए ना, मैं आऊं तो किस तन में आऊं, मुझे वृद्ध जरूर, वृद्ध अनुभवी रथ, यह जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हैं, यह ब्राह्मणों का सर्वोत्तम कुल है, विराट रूप दिखाते हैं ना बच्ची, सच्ची सच्ची चोटी तो तेरी ही है, तू राजयोगी और राज ऋषि है, राजाई के लिए तपस्या कर रही है, वह मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं, और तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो, क्या फर्क है दोनों में, मुक्ति और जीवन मुक्ति में, ये हमें पता है कि वो परम धाम के लिए और हम
जीवन में रहते वो ठीक है, पर रियल मीनिंग क्या है? वह मुक्ति के लिए हट्टियों की तपस्या करते हैं और तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राज्यों की तपस्या कर रहे हो, क्या फर्क है? क्या फर्क है दोनों के पुरुषार्थ में? ट्रुथ से दूर, मन के राजा जीवन में रहते, हाँ वो तो हमें पता है, जीवन में रहते जीवन से मुक्त, त्रिकालदर्शी हैं, ओके। और हमने कल क्लास में शेयर किया था, जो इंग्लिश क्लास में थे वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने सुना होगा, सुना हुआ नहीं बोलना है। इंग्लिश क्लास वाले नहीं बोलेंगे, जो हिंदी क्लास में वो बोलेंगे। हाँ जी, मन के संकल्पों से मुक्ति, जीवन मुक्ति, आत्मा में मन से साक्षी, सन्यासी जब छोड़ रहे हैं ना, उनको इस दुनिया में वापस आना ही नहीं है। ट्रू, वो तंग आ गए हैं इस दुनिया से, परेशान हो गए हैं, उनको आना नहीं है वापस, उनको बस मुक्ति चाहिए, उनको खेल में आना नहीं है वापस, उनको खेल पसंद ही नहीं है, संतुष्टता नहीं है। और हम आत्माएं जो ब्राह्मण कुल में बाबा के साथ जो पार्ट प्ले कर रही हैं उनका, हमें तो खेल में आना है वापस, हमें तो खेल खेलते रहना है, संतुष्ट मणि। हाँ, घर के अनुभव को अभी करना है शरीर में रहते हुए, और फिर खेल भी खेलते रहना है, कभी खेल से बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं है ना। हैप्पी टू बी इन द प्ले, बिल्कुल बिल्कुल, ऑलराउंडर, यस। बहुत फर्क है जीवन जीने के तरीके में इस सेकंड में, कंप्लीट सैटिस्फैक्शन प्ले से भी। तो खेल भी इटर्नल है ना, तो जो ये जीवन ऐसे जीता हो कि मुझे अब आना ही नहीं है वापस, बस घर जाना है, बस घर जाना है, आना नहीं वापस, वो दुखी है कि सुखी है? वो दुखी है ना। तो हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो जीवन मुक्ति अब भी इस सेकंड में। मुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए इसको, तो क्या चाहिए हमें? जीवन मुक्ति चाहिए, मतलब इस सेकंड में अभी अनुभव कर रहे हैं हम। तो बहुत सुंदर है, कंप्लीट सुपर सेंशुअस जॉय वाइल्स्ट इन द बॉडी में एक्सपीरियंस कर रही, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति अब भी हो रही शरीर के साथ रहते हुए। ये सबसे बड़ा आत्मा के लिए एक मिरेकल है, ये एक चमत्कार है कि पर्सनल एग्जिस्टेंस होते हुए भी मैं पर्सन नहीं हूं, ये मुझे पता है। ये चमत्कार है। है कोई ड्रामा से जो कभी नहीं आना चाहता वापस यहां? नहीं, वेरी गुड। क्योंकि ये भावना आपको कभी सुखी नहीं रहने देगी यहां। क्योंकि सूक्ष्म में कहीं ना कहीं ड्रामा से रेजिस्टेंस है। क्लियर? ये बहुत बड़ा फर्क है सन्यासियों में, ब्रह्म कुमारियों में। दिन रात का फर्क हो जाता है इससे।
पर कई बार ये मैं चेक करना है क्या बीके लाइफ में भी मैं ऐसे तो नहीं कर रही हूं कि बस अब बस घर जाना और मेरे को तो वापस आना ही नहीं है, यहाँ आओ ही मत, यहाँ रहो ही मत, ये एटीट्यूड तो नहीं है ना बीके होने के बाद, ये भी एटीट्यूड हो सकता है, वो सन्यासी एटीट्यूड है एक्चुअल में, है ना, कभी नहीं था। वेरी गुड। बिल्कुल, सब कुछ अभी संगम में अनुभव करना है मुझे, सब कुछ, घर को भी, सत्युग को भी, सब कुछ अभी अनुभव करना है, संगम युग में शरीर के साथ रहते हुए, बाबा की कंपनी को भी सब अभी अनुभव करना है। करना है मतलब है, नेचुरली शब्द बोल रहे हो, पर आई द बीइंग एम एक्सपीरियंसिंग क्वालिटीज ऑफ बाबा, मेरी अपनी क्वालिटीज, बाबा की जो बेनेवलेंट फीलिंग्स है वो मेरी बेनेवलेंट फीलिंग्स, बाबा को ड्रामा बहुत पसंद है तो मुझे आत्मा को भी ड्रामा बहुत पसंद है, बाबा ड्रामा का आज्ञाकारी है तो मैं भी ड्रामा की आज्ञाकारी, बाबा की भी आज्ञाकारी। हाँ जी, दीदी किसी ने मैसेज किया है कि तो मनमोहिनी दीदी बोलते थे ना अब घर जाना है, उनका वो फेवरेट टैग मतलब वो था, तो मतलब वो जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे। नहीं, हमें पता नहीं उनका भाव क्या था, हमने क्या सुना जो किसी ने इंटरप्रिटेशन की उनके भाव की, हमें किसी के इंटरप्रिटेशन को नहीं सुनना उनके भाव के, अब घर जाना है क्या, उनका भाव क्या है, अब ये पुराने संस्कार मेरे नहीं है, अब बाबा के संस्कार मेरे संस्कार है ना, तो सूक्ष्म प्रैक्टिस जब बोलते हैं ना, सटल कॉन्शियसनेस क्या है, एंजेलिक कॉन्शियसनेस क्या है, और बीज रूप की स्थिति में क्या फर्क है, परमात्मा के पास पुरुषार्थ के संस्कार नहीं है, है क्या बाबा के पास पुरुषार्थ के संस्कार, शिव बाबा के पास नहीं है, किसके पास है पुरुषार्थ के दिव्य संस्कार, ब्रह्मा के पास, तो एंजेलिक कॉन्शियसनेस मींस ब्रह्मा के संस्कार मेरे संस्कार हैं, ब्रह्मा बाबा के संस्कार क्या थे, हमें ब्रह्मा बाबा को देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या संस्कार थे उनके, जीवन में रहते हुए, देह में रहते हुए, देह से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, तो मैं आत्मा जब एंजेलिक कॉन्शियसनेस मतलब मैं ब्राह्मण ब्रह्मा के संस्कारों का पुरुषार्थ, उसके संस्कार भी मेरे संस्कार हैं, और ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ क्या था, साक्षी दृष्टा, तो यह है सटल वर्ल्ड की सटल कॉन्शियसनेस। बिल्कुल सरेंडर्ड, एकदम समर्पित बाबा को, जीरो ईगो, ईगोलेस, बॉडीलेस, वाइसलेस, बिल्कुल मन से एकदम अलग, घर को याद करो, व्हाट डज ही मीन, या बाबा कहते हैं घर को याद करो, क्या बोलते हैं उसका मीनिंग क्या है, घर मतलब अनादि स्वरूप ना, अनादि स्वरूप को याद करो, घर को याद करो मतलब अनादि स्वरूप को याद करो, क्योंकि अनादि स्वरूप को हे आत्मा तू शरीर के द्वारा ही एक्सपीरियंस कर सकती, घर में कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेगी, अरे बाबा को खुद को बॉडी लेनी पड़ती है ज्ञान देने के लिए भी, जब भगवान ही मैटर के बिना हमको ज्ञान नहीं दे सकता तो क्या मैटर की अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मैटर की भी अपनी इंपॉर्टेंस है और आत्मा की भी अपनी इंपॉर्टेंस है ना, तो मैटर को बॉडी को यूज करके
मैं अपनी बॉडीलेस स्थिति को अनुभव कर सकती हूँ। शब्दों को यूज करके मैं अपने निरसंकल्प स्थिति को महसूस कर सकती हूँ। संकल्पों को यूज करते हुए निरसंकल्प स्थिति, बॉडी को यूज करते हुए बॉडीलेस स्थिति। ये पैराडॉक्स है हाँ। बिना बॉडी के आप बॉडीलेस स्थिति भी अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव करने के लिए मैटर चाहिए। ये बड़ा अजीब सा वो है, उल्टा ऑपोजिट। इट इज फनी, इट इज अ फनी थिंग, बट इट इज ट्रू। सत्युग में भी बॉडी है, बॉडी को अनुभव करते हुए बॉडीलेस स्थिति का, बिल्कुल स्टोरी को अनुभव करते हुए स्टोरीलेस स्थिति का अनुभव। वेरी फनी। तो जब बॉडीलेस कह रहे हैं बाबा, सिर्फ सूक्ष्म संकल्पों के वस्त्र को उतारना है, क्योंकि मौत का डर भी संकल्पों में है। शरीर के मौत का डर किस में है? हाँ, वॉइस को यूज करते भी वॉइसलेस, बिल्कुल ये आवाज मेरी नहीं है, ये बाबा ने यूज कर रहा है गला। कौन यूज कर रहा है ये गला? बाबा। ये तो मशीन है, मशीन मशीन है ना ये। कोई निकाल दे इस वॉइस बॉक्स को तो क्या बचा पीछे? रोबोट है ये, मशीन। हाँ, तो संकल्प दिख रहे हैं मुझे साइड में। तुम निरसंकल्प हो, तुम ये हो, तुम वो हो, माया मन बोल रहा है। माया मन नहीं बोलूंगी, पर मैं बोलूंगी सर्विंग माइंड बोल रहा है, सर्विंग माइंड बोल रहा है। हाँ, पर वो सर्विंग माइंड की भी मुझे पता चल जाता है साइलेंस में, मुझे तो संकल्प की ही जरूरत नहीं है। मैं बोल नहीं रही हूँ वो, पर मुझे अपना साइलेंस स्वरूप महसूस हो रहा है। भले ही वो माया माइंड, वो सर्विंग माइंड पूरी अपनी कोशिश कर रहा है सर्व करने की, पर मुझे इतना आभास हो जाता है साइलेंस से कि मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। इतनी इंडिपेंडेंट हूं मैं आत्मा। बॉडी को यूज कर रही हूं, बॉडी से निकली नहीं हूं बाहर, बॉडी को यूज करे हुए हूं, पर मुझे पता है मैं बॉडी लेस हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बॉडी छोड़ दी, नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मन ने संकल्प करना छोड़ दिया, नहीं। प्रैक्टिकल माइंड, सर्विंग माइंड, प्योर माइंड, इम्प्योर माइंड सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर मुझे टच नहीं कर पा रहा है, मैं साइलेंट हूं, है ना? वो ट्रूथ। क्लियर हुआ पैराडॉक्स? बाबा ने आज मुरली में यही क्लियर किया है, पैराडॉक्स कि माया हो, तुमको अशरीरी बनाने के लिए शरीर को यूज करना पड़ेगा, मुझे भी उसके लिए। इम्प्योरिटी को हटाने के लिए मुझे इम्प्योर दुनिया में आना पड़ता है। दीदी ये बोल रहे हैं कि नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर कि हमें घर जाना है, सो प्लीज एक्सप्लेन लिटिल मोर डिटेल ऑफ हाँ, दैट। घर जाना है का मतलब क्या है? अभी बताया था ना, घर जाना है का क्या मतलब होता है? कौन जाएगा घर? बॉडी, थॉट्स, कौन जाएगा घर? जो भी जिन्होंने पूछा, अगर वो क्वेश्चन में आएंगे ना खुद, तो वो काउंटर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं तुम, नहीं तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे, उनको समझ नहीं आया। करेंगे सीमा आत्मा को जाना है ना घर, घर जाने के बाद उसको अनुभव है घर का, घर में कोई भी अनुभव है, उन्हें पता है कि नहीं पता है? मुझे ये नहीं पता है, उन्हें आवाज में आना होगा अगर पूछना है तो।
आवाज में आकर आवाज से परे रहना होगा। हाँ तो ये तो खुद को ही पैराडॉक्स करने होंगे। नो नीड टू बी फीलिंग अशेम्ड और शाय, है ना। हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली जस्ट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, है ना। तो घर जाना है मतलब घर जाने के, घर के जो संस्कार हैं, परमात्मा के एब्सोल्यूट अशरीरी संस्कार, वो मेरे मुझे अभी लग रहे हैं, लग रहे हैं। एक होते हैं ब्रह्मा बाबा के संस्कार, पुरुषार्थ के संस्कार, साक्षी दृष्टा के। एक होते हैं एब्सोल्यूट संस्कार, वो है परमात्मा के संस्कार। तो अभी हमने, है ना, एक मुरली पढ़ी थी जिसमें बाबा ने, ये पढ़ के बताएगी आपको बाबा की ही भाषा में, सॉरी, साइलेंस की मुरली थी, वो पढ़नी है हमें, एक दिन पढ़ेंगे हम पर वो साइलेंस की मुरली थी, उसमें बाबा ने बोला कि साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोकों की सैर करा सकती है। एक सेकंड में तीनों लोकों की सैर करा सकती है। मीनिंग क्या हुआ, समझा कितनी महान है ये साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में मुझे अपने एब्सोल्यूट संस्कार भी पता है मेरे अंदर के, मुझे ब्रह्मा के पुरुषार्थ के संस्कार भी पता है एंजेलिक कॉन्शियसनेस के, और मुझे अपने कॉर्पोरियल माया मन के संस्कार भी पता है। तीनों पता है, मैं आत्मा साइलेंट हूं तो मुझे ये तीनों दिखेंगे साक्षी होकर संस्कार। एक सेकंड से ज्यादा टाइम चाहिए उसमें आपको? त्रिलोकीनाथ, एक्चुअली त्रिकालदर्शिनी, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ की स्थिति है ये। त्रिकालदर्शी इज टू नो द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द पर्सन एंड द ड्रामा टोटल। त्रिलोकीनाथ मतलब तीनों लेवल के संस्कारों की ज्ञान, है ना, ये मीनिंग हुआ उसका। तो त्रिलोकीनाथ, एक सेकंड, तीनों लोक, हाँ तीनों लोक, परम लोक, परम धाम का लोक, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, वो संस्कार, एंजेलिक वर्ल्ड मींस ब्रह्मा के संस्कार, पुरुषार्थ के वो मेरे संस्कार। उनको अपना हमेशा परफेक्ट फॉर्म आत्मा को दिखता ही था, पुरुषार्थी फॉर्म भी दिख रहा है, परफेक्ट फॉर्म भी दिख रहा है, था ना ये। कितना आज बाबा ने बोला है ना कि ब्रह्मा का जो रियल, जो परफेक्ट फॉर्म है, आज बाबा ने कुछ इस पे बोला भी है मुरली में, शुरू शुरू में कि मैंने क्या पाप किया जो आप मेरे परफेक्ट फॉर्म को नीचे ला रहे, कुछ तो ऐसे बोला है ना बाबा ने आज। तो वो परफेक्ट फॉर्म अनटच्ड है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। तो क्या मेरे अपने स्मृति में मेरा परफेक्ट फॉर्म है, ये जो पुरुषार्थी संस्कार भी दिख रहे हैं, माया के भी संस्कार दिख रहे हैं मुझे, उसमें उसमें मेरा परफेक्ट फॉर्म अनटच्ड है? ये बराबर मिक्स होता जाता है सारा टाइम, तो मैं ब्रह्मा के संस्कार यूज नहीं कर रही हूं तो मैं ब्रह्मा के संस्कार यूज नहीं कर रही हूं। तो सटल कॉन्शियसनेस, सटल वर्ल्ड इज दैट, इसका मीनिंग ये है कि ब्रह्मा के संस्कार मेरे संस्कार, तो मुझे भी अपना परफेक्ट फॉर्म जैसे एक सेकंड की दूरी पे दिखेगा। अगर शिव बाबा एक सेकंड की दूरी पे है, तो ब्रह्मा बाबा कितना दूर है आपसे? एक सेकंड, बाप दादा कंबाइंड है ना, या आपने उनको अलग अलग कर दिया है? हाँ कंबाइंड है ना। तो अगर मैं शिव बाबा के साथ हूं, तो मैं बाप दादा दोनों के साथ हूं ना, या अलग हूं?
पतित शरीर में संपूर्ण ब्रह्मा नहीं आएगा, तो संपूर्ण ब्रह्मा मेरी एंजेलिक स्थिति अलग ही है, वो मेरे शरीर से कनेक्टेड नहीं है, मतलब माइंड बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, रीनी भान से कनेक्टेड नहीं, बिल्कुल अलग है वो संस्कार, और ये संस्कार बिल्कुल अलग, ये उनका पुरुषार्थ का आज हमको बाबा ने क्लियर कट पिक्चर दिए। है ना, रथी और रथ साथ है, नहीं यूज कर रहे हैं रथी रथ को, पर अलग अलग है। कंबाइंड भी है और अलग भी है, रथ और रथी यूज, उसकी जरूरत भी है पर उसके बिना भी मेरा एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ये देखो, ये पैराडॉक्स समझना होगा आपको। आत्मा कैन एग्जिस्ट, आत्मा एग्जिस्ट कर सकती है बिना शरीर के, पर इस धरती को यूज करने के लिए, अपने पार्ट को प्ले करने के लिए शरीर के बिना नहीं कर सकती। समझ गए ये दोनों पैराडॉक्स? हाँ, पर उसके शरीर नहीं है तो आत्मा ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। होता है ऐसा नहीं। ऐसे ही मुझे पार्ट प्ले करने के लिए संकल्पों की जरूरत है, देखती हूँ मैं अभी। हाँ शायद वो कल की जो पिक्चर थी ना, से और क्लियर हो जाएगा। मैं आत्मा जब आती हूँ धरती पे पहली बार सत्ययुग में, माइंड एक्टिवेट होता है। हाँ, बहुत बहुत मिनिमम ही बोलता है, नहीं के बराबर ही बोलता है, क्योंकि वो आत्मा की साइलेंस में मर्ज होता है, राइट? तो बहुत कम स्क्रिप्ट के अनुसार आत्मा एक्शन कर रही है, पर उसको ये नहीं कि मैं रीनी हूं या मैं लक्ष्मी हूं और मैं एक्शन कर रही हूं, वो भान नहीं है सत्ययुग में। मैं लक्ष्मी हूं, तुम नारायण हो मेरे पति, और ये मेरे बच्चे, और हम एक्शन कर रहे हैं, ये भान नहीं है वहां पर। एक्शंस नेचुरली स्पिल होते हैं आत्मा से, नेचुरली, सोचती नहीं है करने के लिए, ऑटोमेटिक होते हैं, क्योंकि आत्मा का माइंड उससे बिल्कुल इंट्यून्ड है। कोई बीच में सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है लक्ष्मी की, नाम है शरीर का पर कोई आइडेंटिटी नहीं है नाम रूप की और देह की। तो बिल्कुल सोल यूजिंग द बॉडी, बस ये है और कुछ भी नहीं है सत्ययुग त्रेता में, सोल यूजिंग द बॉडी, दैट्स इट। कॉपर एज में आए, कॉपर एज में आए, तो कॉपर एज में एक भान शुरू हुआ, बॉडी का भान शुरू हुआ, मैं ये बॉडी। उस बॉडी के भान से आत्मा को लगने लगा, अरे बॉडी चेंज हो रही है, मतलब मैं भी चेंजफुल हूँ, बॉडी जवान है तो मैं जवान हूँ, बॉडी बूढ़ी है तो मैं बूढ़ी हूँ, बॉडी मर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी, फियर आना शुरू हुआ, फियर। तो मैं बॉडी तो दूसरे भी बॉडी तो वो मेरे, अगर वो भी मेरे से चले गए दूर तो मैं कहीं अधूरी आधी रह जाऊंगी। ये फियर्स आने शुरू हुए, तो चेंजलेस आत्मा अपने आप को चेंजफुल फिनोमिनन समझने लगी बॉडी के साथ। फिर धीरे धीरे कलयुग आना शुरू हुआ, नाम रूप भी अटैच हो गया साथ साथ, माइंड की स्क्रिप्ट है ये सब, आत्मा भी सोच नहीं रही है कुछ भी, ये सोचा नहीं है आत्मा ने, ये जितने भी पार्ट्स प्ले किए आत्मा ने, थॉट्स नहीं क्रिएट किए पार्ट प्ले करने के लिए, थॉट्स दिए गए उसको और वो बस उसको एक्शन में लाती गई। आत्मा ने एक भी थॉट क्रिएट नहीं किया, माइंड की स्क्रिप्ट के अनुसार थॉट्स आए, जैसे एक एक्टर को लिमिटेड वे में देखते हैं, स्क्रिप्ट के थॉट्स दिए गए और वो बोलता गया। एक होता है ये भान रहना कि मैं स्क्रिप्ट के शब्द बोल रहा हूं, एक होता है भूल जाना कि ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट ही मैं हूं। तो ये हुआ आयरन एज में, आयरन एज में स्क्रिप्ट ही मैं बन गई, जो कि मन की स्क्रिप्ट थी, कि लास्ट का जो पार्ट मान लीजिए मैं लेती हूँ, या टीना का पार्ट, या ये रीना का पार्ट, रीना और टीना, तो ये रीना पार्ट में मैंने बैगर का रोल जब प्ले किया, तो वो स्क्रिप्ट बैगर की स्क्रिप्ट बोल रही थी कि मैं बैगर हूं, मैं गरीब हूं, वो एक स्क्रिप्ट थी माइंड की।
आत्मा ने उस स्क्रिप्ट से चिपक गई, तो वो थॉटलेस आत्मा अपने आप को क्या समझने लगी, ये थॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूं, है ना, मैं क्रिएट कर रही हूं। तो मैं थॉट्स का स्वरूप होती गई, चेंज का स्वरूप होती गई, स्टोरी का स्वरूप होती गई, है ना, स्वरूप बनती गई मैं उसका। तो कल हमने देखा कैसे टाइमलेस आत्मा टाइम बाउंड हो गई, हाँ, स्पेस और डिस्टेंस से टाइम बाउंड हो गई। आज हम देख रहे हैं चेंजलेस आत्मा कैसे चेंज से बाउंड हो गई, स्टोरी लेस आत्मा कैसे स्टोरी समझने लगी अपने आप को। वो सिर्फ स्क्रिप्ट थी और कुछ भी नहीं था, माइंड ही बोल रहा था, मैंने उससे आइडेंटिटी बनाई और वो मेरा स्वरूप हो गया। ट्रू। अब संगम में आई हूं, आधा आधा जीवन अभी तक भी मैंने ऐसे ही जिया है। अब आधा रूप, बाबा बोलते हैं मर जाओ बच्चे, डाई अलाइव, मर जी जीते जी मर जाओ। पर अब स्क्रिप्ट तो चल ही रही है ना, पुरानी भी साथ साथ। नहीं चल रही है क्या? किसकी नहीं चल रही है? चल रही है ना पुरानी स्क्रिप्ट भी, एक तरफ पुरानी स्क्रिप्ट चल रही है। माइंड अपने स्पॉन्टेनियसली थॉट्स क्रिएट कर रहा है, मैं आत्मा नहीं क्रिएट कर रही हूं वो संकल्प। प्लीज बी वेरी क्लियर ऑन इट। इतना सेंस ऑफ आइडेंटिटी है उन पुराने संकल्पों से और संस्कारों से कि वो लगता है वो मेरी आवाज है, ये मैं क्रिएट कर रही हूं। यू आर नॉट क्रिएटिंग दोज थॉट्स, आप क्रिएटर नहीं है पुराने संकल्पों के आधार, संस्कारों के आधार पर जो संकल्प आ रहे हैं वो आपने क्रिएट नहीं किए। तो जब अगर आपके, मुझे लगता है मुझे उसमें जाना ही पड़ेगा आज, मैंने सोचा था कल जाऊंगी पर देखते हैं आज ही जाते हैं। डिफरेंट लेयर्स ऑफ माइंड, हाँ, ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ माइंड, बार बार बीच में सबके वो आ रहे हैं। आत्मा जो बिल्कुल निरसंकल्प, परम धाम की स्थिति, अब बस घर जाना है, ये वो स्थिति है। ये जो बोला ना दीदी ने, बस अब घर जाना है, मतलब साइलेंट स्थिति। नो थॉट्स कैन डिफाइन मी, नो वर्ड्स कैन डिफाइन मी, ये है परम धाम की स्थिति, बस अब घर जाना है। क्योंकि घर तो आत्मा जाएगी, दीदी तो जाने वाली नहीं है घर। दीदी जाने वाली है घर। पर हम किसको देख रहे हैं? दीदी को देख रहे हैं। हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस उस बॉडी को देख रहा है, उस रोल को देख रहा है और बोल रहा है दीदी ने तो बोला घर जाना है ना, दीदी ने बोला कि आत्मा ने बोला। आत्मा ने बोला ना घर जाना है, आत्मा ने भी बोला क्या? मतलब ये तो थॉट बाबा का होगा ना, अब बस घर जाना है। आत्मा तो बोलती नहीं है ना, आत्मा का तो गला है नहीं, ये है अनादि स्वरूप की स्थिति, अब घर जाना है। अगर आपको याद हो ब्रह्मा बाबा की कुछ मुरलीज हैं, शिव बाबा की कुछ मुरलीज हैं, जिसमें ब्रह्मा बाबा के लास्ट के कुछ दिन जब उन्होंने बोला मुझे घड़ी की टिक टिक भी नहीं सुननी, किसको याद है? घड़ी की टिक टिक भी नहीं सुननी उनको, इतनी साउंडलेस अवस्था। वो भी बहुत जोर से सुनाई दे रही, जैसे उनको घड़ी की टिक टिक। तो देखो वो आत्मा कितनी संकल्पों से दूर हुई होगी कि संकल्पों का शोर भी अब वो उससे बिल्कुल अलग, वो एकदम एकदम एब्सोल्यूट साइलेंस को महसूस कर रही है। इतनी साइलेंट स्थिति उसकी। तो जब आत्मा है ना, आज क्या होता है ना, एक थॉट नहीं आता है, सिर्फ थॉट के साथ एक आइडेंटिटी और साइमल्टेनियसली साथ में आती, जिसको बोलते हैं थिंकर। थॉट के साथ एक थिंकर आइडेंटिटी अटैच्ड आती है साथ में,
है ना, थॉट नहीं आता है सिर्फ, ये भी आता है, ये मैं थॉट सोच रही हूं, ये थॉट भी आता है। तो पहली लेयर तो ये है, थॉट आया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थॉट इज थिंकिंग अबाउट अ थॉट, ये होती है पहली लेयर। एक संकल्प दूसरे संकल्प के बारे में सोच रहा है। सेकेंड लेयर होती है, थॉट तो आया पर वो बॉडी के साथ अटैच किया, और बॉडी के साथ अटैच करते एक थिंकर पैदा हो गया। कौन पैदा हो गया? थिंकर पैदा हो गया थॉट्स का, ये थिंकर पैदा हो गया। थी बॉडी, आइडियाज और थॉट्स को बॉडी के साथ अटैच करते ही थिंकर पैदा हो गया, जिसने कि ओनरशिप लेनी शुरू कर दी थॉट्स की, है ना। तो कोई भी थॉट आया, मैं थॉटलेस आत्मा हूं, अच्छा ये मैं हूं, ये थॉट ही मैं हूं, ओनरशिप क्लेम कर लिया, ये थॉट मैं हूं, ये नहीं देखा कि ये थॉट मेरे साइलेंट ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये आत्मा ने देखा नहीं, आत्मा ने सोई पड़ी है, तो एक फिक्टिशियस आइडेंटिटी बॉर्न हुई जिसको बोलते हैं थिंकर, जो कि थॉट के साथ एक थॉट ही है, थिंकर भी एक थॉट ही है जो कि अटैच्ड है इसके साथ। हाँ, फिर थॉट के साथ आई एक फीलिंग, तो थिंकर जैसे ही बॉर्न हुआ, मैं रीनी, ये थॉट पैदा हुआ, अब उसके साथ एक फीलिंग भी आई, रीनी को किसी ने कुछ अच्छा या बुरा कहा, तो एक फीलिंग भी आई, तो एक फीलर पैदा हो गया, बॉडी के साथ फीलिंग अटैच हुई तो एक फीलर पैदा हो गया, अच्छी बुरी सारी तरह तरह की फीलिंग्स आने लगी। तो अब आत्मा जो है सो रही है, तो एक थॉट जगल कर रहा है दूसरे थॉट के साथ, जगलिंग गेम चालू हो गया। दिख रहा है ये इमेज सबको? ये मेरी फीलिंग, तो फीलिंग के साथ अटैचमेंट हो गई, भारीपन है, हल्कापन है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, ये मैं फील कर रही, ये मैं हूं। ये फीलिंग का स्वरूप बन गई मैं। फीलिंग का स्वरूप बनने के बाद एक अनुभव हुआ बॉडी में भी, एक्सपीरियंसर पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? एक एक्सपीरियंसर पैदा हो गया, जिसको हमने बोल दिया मैं बहुत सेंसिटिव हूं, मैं बहुत खुश रहने खुश मिजाज हूं, मैं बहुत मजाकिया हूं, या मैं बहुत सीरियस हूं, एक एक्सपीरियंसर पैदा हो गया, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं माइंड की, और कुछ नहीं है। मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, मुझे आज अच्छा अनुभव नहीं हुआ, मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हुई है, ये सारी आइडेंटिटीज है, ये सारे एक्सपीरियंसर बॉर्न हो रहा है। और जब आत्मा थिंकर का स्वरूप, थॉट का स्वरूप बनकर थिंकर बन जाती है, फीलर बन जाती है, एक्सपीरियंसर बन जाती है आत्मा, तो एक डूअर पैदा हो जाता है। बहुत सबसे सूक्ष्म आइडेंटिटी होती है डूअर की, इन सब में सबसे सूक्ष्म है डूअर, मुझे पुरुषार्थ करना है परफेक्ट बनने के लिए, तो मुझे ये थॉट को भी हटाना है, दूसरे थॉट से रिप्लेस करना है, इस फीलिंग को चेंज करने के लिए, है ना। तो जैसे कल इंग्लिश क्लास में किसी ने बोला कि एक थॉट को दूसरे थॉट से रिप्लेस करो, फीलिंग अच्छी नहीं है तो एक थॉट को दूसरे थॉट से रिप्लेस करो, कौन सी आइडेंटिटी बोल रही थी, कौन सी लेयर बोल रही थी उनके जीवन में उस वक्त? तीनों, ये थिंकर फीलर एक्सपीरियंसर, क्योंकि डूअर एक्शन में आ रहा था, उसको वो फीलिंग अच्छी नहीं लग रही थी, इस ईगो को ये फीलर वाली अच्छी नहीं लग रही थी, एक्सपीरियंसर थिंकर की थिंकिंग अच्छी नहीं लग रही थी, मैं वो थिंकर, मुझे अपनी वो थिंकिंग अच्छी नहीं लग रही है, मुझे वो फीलिंग अच्छी नहीं लग रही है, मुझे ये अनुभव अच्छा नहीं लग रहा है, चलो चेंज करती हूँ मैं इसको, बाबा के किसी मुरली पॉइंट को लगाकर। तो कौन पुरुषार्थ कर रहा था? ईगो माइंड, डूअर, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही कर रहा होता है,
ये डूअर ऑफ एक्शंस, पुरुषार्थ ये मेरा है और मैं कर रही हूं ये पुरुषार्थ। तो ये डूअर की आइडेंटिटी ना, ये बाबा बोलते हैं ईगोलेस लास्ट में जाने वाली है। इसलिए हमेशा बोलते हैं बॉडी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी लास्ट में बोलते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी लास्ट में जाती है। इतनी पुरुषार्थ करके ये आइडेंटिटी को खत्म करने की आदत पड़ी हुई है डूअर की, घमंड, मुझे करना है पुरुषार्थ, मैं कितनी अच्छी पुरुषार्थी हूं या मैं बहुत अच्छी पुरुषार्थी नहीं हूं, दोनों ही घमंड, ये दोनों घमंड है, ये डूअर की आइडेंटिटी। तब होता है एक और पैदा, कौन होता है पैदा इन सब के साथ आइडेंटिटी बन जाती तो कौन पैदा होता है? सफरर। लास्ट आइडेंटिटी होती है सफरर की आइडेंटिटी, जो कि सफर कर रही है अपने थिंकिंग को, फीलिंग को, अनुभव को और डूइंग को, सबको सफर करने वाली एक पैदा होती है, सफरर ऑफ ऑल। जबरदस्त सफरिंग है यहाँ। अब आत्मा अपने एक एक पल को सफर कर रही है, ये पल खत्म हो तो नेक्स्ट मोमेंट बेटर हो, ये पल खत्म हो तो नेक्स्ट मोमेंट बेटर हो। क्योंकि माइंड और बॉडी सारा कुछ अब अनुभव, वो मैं बन चुकी हूं अब। तो ये बॉडी थी सिर्फ, प्रॉब्लम नहीं थी, एक ईगो हेड अटैच हो गया उसके साथ, अलग 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 अलग। सी आई एम द डूअर ऑफ एक्शन, मेरे जैसा कोई पुरुषार्थी मेरे जैसी अंडरस्टैंडिंग किसी की नहीं, मुझे कितना जल्दी जल्दी समझ आ रहा है, वाह मैं तो बेटर हूं बाकी सबसे, या उल्टा उसका, दोनों। ये है डूअर। है ना? तब ये जब तक मैं अपने बीच में और माइंड के बीच में गैप नहीं क्रिएट करूंगी, मुझे लेयर दिखेगी ही नहीं, मैं किसी ना किसी एक लेयर में फंसी रहूंगी। है ना? क्योंकि जो थिंकर है वो उससे सारी पैदा हुए हैं, जैसे ही मैंने ओन किया ये थिंकिंग मेरी है, बाकी सारी आइडेंटिटीज पैदा हुई, बाकी सारी सटल लेयर्स ऑफ माइंड पैदा हो गई अपने आप, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है उसका। जैसे ही मैं थिंकर ऑफ माई थिंकिंग हूं, सारी आइडेंटिटीज आ गई, वो चुपके से बैठी हुई है सब साथ में। है ना? इसलिए बाबा को बोलते हैं डेथ ऑफ ऑल डेथ्स, कालों का काल। है ना? सारे टाइम को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को खत्म कर देता है, खत्म कर देता है, है ना? टाइमलेस स्थिति, इटर्निटी का अनुभव कराता है इन सारी थिंकिंग, क्योंकि थॉट जो होता है वो टाइम का अनुभव देता है। थॉट ने क्रिएट किया है पास्ट, थॉट ने क्रिएट किया है फ्यूचर, थॉट ने क्रिएट किए हैं 10 साल पहले की बात, थॉट ने क्रिएट किया है ये नंबर 5 साल आगे की बात, सब थॉट ने क्रिएट किया है। ये सारी आइडेंटिटीज आत्मा जब सफर कर रही है, अगर मैं अपनी लाइफ के थ्रू जाना चाहती हूँ जॉयफुली, हाँ हैप्पीली, तो मुझे इस माइंड की सारी लेयर्स को एक झटके में, एक झाटकू में बाबा को सरेंडर करना होगा। वो है एकदम साइलेंट आत्मा की स्थिति, जिसको बाबा बोलते हैं बस अब घर जाना है, मतलब अब घर की स्थिति में रहना है, परमधाम की स्थिति में रहना है।
तो रेडी है ये सारी लेयर्स को त्याग देने के लिए? बहुत बड़ा त्याग लगता है मन को ही एक-एक लेयर बहुत बड़ा त्याग लगता है, आत्मा को नहीं मन को। थिंकर से नहीं तो फीलर में फंस जाती, फीलर से नहीं तो एक्सपीरियंस में फंस जाती, एक्सपीरियंस से नहीं तो मैं तो डूअर हूं, मैं कितनी अच्छी पुरुषार्थी है, नहीं हूं उसमें फंस जाती है। और फिर सफर, सफरिंग एक एक सेकंड हो रही है सफरिंग। कोई बाहर बड़ा सीन आया और फिर मैं सफर हूं, ज्ञान उस वक्त प्रैक्टिस नहीं होता है कि कोई बाहर कोई सीन आया है फिर मैंने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की, देखो मैं जीत गई इस सीन, ये दूसरा ईगो आ। एक एक सेकंड पुरुषार्थ चल रहा है, तो जो रियल पुरुषार्थ कर रहे हैं वो एक एक सेकंड कर रहे हैं, वो सिर्फ किसी ने कुछ कहा मैंने कुछ बोला नहीं, वो वाला पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। मैं चुप रही, देखो मैं कितनी अच्छी पुरुषार्थी हूँ, वाह वाह वाह, मेरा तो गायन होना चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं है। दलदल में फंसे हुए हैं, दलदल दिख रहे हैं हम, क्विक सैंड में घुस रहे हैं, अंदर धस रहे हैं। एक एक सेकंड पुरुषार्थ चल रहा है। अरे मन कभी कभी किसी को क्या सोच के और फिर उसके उसके बारे में सोच कर फिर कुछ सुना रहा होता है, चेक करना होता है इतना सूक्ष्म में आप। है ना, तो एकदम साइलेंस में आत्मा को पहले खुद के साइलेंस में जाना होता है। देखती है मैं साइलेंट हूं, ये मन की एकदम सूक्ष्म लेयर दिख रही है, सफरर की लेयर। कोई ना कोई एक्सपीरियंसर, फीलर, थिंकर, डूअर, ये कुछ सूक्ष्म में कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, पर मैं अनटच्ड साइलेंट प्योर फीलिंग वाली आत्मा उस प्योर फीलिंग से बोलूंगी। है ना, नहीं तो हमारी प्रैक्टिस सिर्फ ये हो जाती, संकल्पों को रोकना, संकल्पों के बारे में वरी करना और संकल्पों से बॉदर होना, ये प्रैक्टिस रह जाती है नहीं तो हमारी। अगर एक भी आइडेंटिटी से अटैच्ड है इससे, तो ये है हमारी प्रैक्टिस। चेंज थॉट विद द थॉट, कौन कर रहा है? पर्सन आइडेंटिटी, कोई ना कोई, ये थिंकर, फीलर, एक्सपीरियंसर, डूअर, चेंज या सफरर, थॉट को चेंज कर रहा है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो कैसे पता चले कि ये मन कर रहा है कि आत्मा कर रही है? जो इंग्लिश क्लास में थे वो नहीं जवाब देंगे, जो हिंदी क्लास में वो जवाब देंगे। कैसे पता चलेगा कि आत्मा कर रही है कि मन कर रहा है? क्योंकि थॉट्स तो बाबा भी दे रहा है ना आत्मा को, उस साइलेंट बीइंग को थॉट्स दे रहा है ना बाबा। कैसे पता चलेगा ये बाबा दे रहा है कि ये मन कर रहा है? बाबा की फीलिंग्स, आत्मा की फीलिंग्स, ओके, मोर प्रैक्टिकल। अगर संतुष्ट है तो बाबा, या वेरी क्लोज, वो सब पर अप्लाई होगी। यस, हाँ, आत्मा परमात्मा कंबाइंड। आई हैव सिमिलर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आस्क्ड यस्टरडे आल्सो। हाँ, इक्वालिटी, साक्षी, हल्कापन, संभव। आत्मा जब कर रही है ना,
उसको संकल्प से जरा सी भी परेशानी नहीं होगी माया मन के, बिल्कुल उसको हटाने की वृत्ति भी नहीं होगी, उसको टू गेट रिड ऑफ इट वो वाली फीलिंग भी नहीं होगी कि ये संकल्प हटाऊं, उसकी फीलिंग अच्छी नहीं लग रही, फीलिंग चेंज करूं, ये कोई भी उसका एजेंडा नहीं होगा आत्मा का। जीरो आइडेंटिटी का मीनिंग ये होता है। हम बोल तो देते हैं, मन शब्द भी बोल देता है, जीरो आइडेंटिफिकेशन, जीरो आइडेंटिफिकेशन, बहुत होशियार है बोलने में मन। पर जीरो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? कि जीरो बॉदरेशन विद संकल्प, बॉदर नहीं हो रही हूं मैं संकल्प को देख के, परेशान नहीं हो रही हूं, इसलिए मैं उसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ, मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। बाबा का कोई संकल्प, बाबा आप अपना कोई संकल्प दो ताकि ये संकल्प जाए, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल फुल एक्सेप्टेंस। मैं आत्मा प्योर अलाउंस हूं, प्योर नोइंग हूं कि ये सिर्फ एक संकल्प है, एक बुदबुदा है और कुछ सत्य है ही नहीं। मैं बोल नहीं रही हूं पर मुझे ये दिख रहा है, बिल्कुल उसको हटाने की मिटाने की कोई वृत्ति नहीं है। साइलेंट बीइंग, ऑब्जर्वर और कुछ भी नहीं हूं मैं, बिल्कुल स्क्रिप्ट से बॉदर होती ही नहीं हूं मैं, है ना। फिर वो जो बाबा संकल्प देगा, वो संकल्प उसको हटाने और मिटाने के लिए नहीं देगा पुराने संकल्प को, वो तो अपने आप मर्ज हो जाता है। बाबा जो संकल्प दे रहा है वो मेरे साइलेंट ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो भी पॉइंटर है, वो संकल्प भी मेरा ट्रुथ नहीं है, वो एक पॉइंटर है। नेगेटिव भी पॉइंटर है तो बाबा के सद नहीं, तमो संस्कार और तमो रजो तमो जो संकल्प है वो भी पॉइंटर है और बाबा के भी संकल्प पॉइंटर है, दोनों पॉइंटर है। एक है स्क्रिप्ट के पॉइंटर जो मेरे, मैं एक एक्टर हूं जो कि स्क्रिप्ट के साथ आई हूं, उस ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। बाबा के संकल्प मेरे साइलेंट ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, बस इतना फर्क है दोनों ही संकल्प और दोनों मेरे साइलेंस की तरफ पॉइंट करिए। एक्टर भी साइलेंट है ना, हाँ, बाबा के सत्तो प्रधान संकल्प है, एलिवेटेड संकल्प, वो सत्तो भी नहीं है, सत्तो प्रधान है तो वो बाबा के सत्तो प्रधान संकल्प है जो कि आत्मा के एकदम एब्सोल्यूट सत्य की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तब मुझे बाबा की मुरली, मेरे शब्द हैं जो बाबा के शब्द हैं, वो मुझे शब्दों से परे ले जा रहे हैं, साउंड से परे ले जा रहे हैं। क्लियर हुआ ये? कोई भी ना सतो नहीं, तमो रजो सतो, ये तीनों संकल्प मुझे डिफाइन नहीं करते, मेरी तरफ पॉइंट कर रहे हैं और बाबा के सतो प्रधान संकल्प भी मेरी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। किसकी तरफ? वो जो साइलेंट बीइंग है। अब वो साइलेंट बीइंग बाबा के संकल्पों को ले सकती है, वो सर्व आत्माओं को अप्लाई होते हैं, वो सर्व आत्माओं का ट्रूथ है, वो सर्व आत्माओं का ट्रूथ। वो खुशी को बढ़ाने के लिए नहीं यूज करते हैं, या खुशी कम हो रही है उसको बचाने की खुशी नहीं, उसमें वो कोशिश नहीं होती उस संकल्प में। नहीं तो होता है ना, माया मन का संकल्प कैसे होते हैं, सत्तो और रजो, रजो प्रधान या तमो प्रधान संकल्प आएगा, बहुत उदासी फील हो रही तो ये संकल्प बोलेगा, अच्छा एक संकल्प क्रिएट करता हूं जिससे तू खुश हो जाएगी तू शांत हो जाएगी, तो ये आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी को शांत करने की कोशिश करती है, फीलर थिंकर को शांत करने की कोशिश करता है। नॉट लाइक दैट, दैट इज नॉट,
आत्मा जो ये फीलर थिंकर एक्सपीरियंस ये डूअर सब देख रही है, सब देख रही है बाबा के साथ। और फिर उस आत्मा के अंदर बाबा एक थॉट प्लांट करता है पॉइंटर की तरह, क्लियर? तो लेयर्स ऑफ माइंड समझ आ गई कि जो इसको देख लेगा वो उसको ट्रांसेंड कर लेगा, और जो देखेगा नहीं वो किसी ना किसी लेयर में फंस जाएगा, है ना? फिर हम अनुभव को एक सफर करते ना, एक फियरफुल थॉट आया मैं ही फियरफुल बन जाऊंगी, एक सैड थॉट आया तो थिंकर चेंज हो जाएगा टू अ हैप्पी थिंकर, अगर हैप्पी थॉट आया तो हैप्पी थिंकर हो जाएगा, सैड थॉट आया तो सैड थिंकर हो जाएगा। थिंकर पैदा हुआ वहां पड़ा है, सूट बदलता रहता है अपने अंदर, है ना? तो हमने कॉपर एज और आयरन एज में यही किया है, थिंकर बन के आत्मा तो सो गई, फिर एक थिंकर पैदा हो गया, उसके साथ डूअर फीलर एक्सपीरियंसर सफरर सब पैदा हो गए, अब वही बात कर वही चलाते हैं। फिर एंड में संगम युग में बाबा आता है, तुझे सोचना नहीं आता है मैं तेरे लिए सोचूंगा, तुझे सोचना नहीं आता है, तू मेरे बारे में देख, तू मेरे बारे मेरी तरफ देख, मैं तेरे लिए सोचूंगा, बोलते हैं ना बाबा, पहले मधुबन में ये कहीं बोर्ड लगाया हुआ था। तू बस मुझे देख, बाकी सब काम मैं करूंगा। तब करण करावनहार बाबा नेचुरली फील होता है, नहीं तो माया क्या बोलेगी, करण करावनहार है डूअर बन के, नहीं नहीं डूअर की फीलिंग अच्छी नहीं है, गलत है गलत है, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, बाबा करण करावनहार है, बाबा करण करावनहार, मंत्र की तरह डरती है वो संकल्प से, ये थिंकर डूअर के संकल्प से डरती है तो बोलती बाबा करण करावनहार, रटना शुरू हो जाती है फिर। थिंकर डूअर से डरता है मन में ब्राह्मण बनने के बाद, है ना? तब बोलता है बाबा करण करावनहार है, माइंड ही बोल रहा है, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं तब तक बाबा करण करावनहार है ही नहीं, और अंडरस्टैंडिंग क्या है, आत्मा के पास सोच ही नहीं है अपनी संगम युग में, बाकी सब स्क्रिप्टेड है, जो चल रहा है वो स्क्रिप्टेड है, जो बाबा दे रहा है बस वही सोचना आता है और कुछ आता नहीं, वो आत्मा है उसके लिए नेचुरली बाबा करण करावनहार है। क्लियर? तुम मेरी याद में मगन रहो, तुम्हारे लिए सोचना भी मैं करूंगा, बिल्कुल। तो वो स्थिति कैसे हो, जब तक मैं संकल्पों से ये फीलर थिंकर डूअर एक्सपीरियंसर सफरर से अलग नहीं होंगी तो कैसे मुझे अपनी साइलेंट स्थिति पता चलेगी, ये तो चलते रहेंगे, ये तो आइडेंटिटी थिंकर फीलर डूअर चलेगी अंदर, संकल्पों के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, एक्सपीरियंस के रूप में, सफरर के रूप में, डूअर के रूप में चलेगी, पर मैं साक्षी, साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट, ये लेयर्स ऑफ माइंड है बस, साइलेंट, मेरे सामने है, मेरे अंदर है, मैं इनके अंदर नहीं हूं, आत्मा, है ना? ठीक है, ओके। तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये इसका मीनिंग है, अंदर सारा संसार झूठा है, तो जब अंदर झूठा है मैं झूठ से पहचान बनाकर एक्शन में आऊंगी तो बाहर भी क्या एक्सप्रेस हो रहा है, अगर मैंने थिंकर से आइडेंटिटी बनाकर वो चोला पहनकर फिर थिंकिंग को एक्शन में लाई, फीलिंग में लाई, थॉट्स में लाई, वर्ड्स में लाई, तो बाहर क्या एक्ट हो रहा है, झूठ। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं सब झूठ है,
झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। पर इतने इंटिमेट फील होती है ना, ये लेयर्स इतनी चिपकी भी हैं आत्मा के साथ, चिपकी भी नहीं है पर इतनी क्लोज है। चिपक तो कुछ नहीं सकता आत्मा के, पर इतनी इतनी क्लोज है आत्मा के, थोड़ा दूर होना पड़ता है, दूर। एक्शन में रहते हुए आपको ये क्लियरली दिखेंगे, तीनों लेयर्स क्लियरली दिखेंगे, है ना। कोई कुछ बोल रहा है, आप अपने साइलेंट ट्रूथ में बैठकर बाबा के साथ देख रही हो, मन नहीं बोल रहा है, बाहर वो कुछ बोल रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं, मन ये बोल रहा है, दिखेगा आपको। पर आप किसी भी चीज में नहीं फंसेंगे, न मन्मथ में न परमथ, किसी में भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि आप बाबा के साथ हैं। साइलेंट ट्रूथ, ठीक है, ओके। Indeed, one question, Renu हाँ Guru. Sister Renu, आप unmute कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जो भी आप सारा ये लेयर्स ऑफ माइंड सिखाया बताया, जो भी मतलब अभी पता नहीं क्या समझ में आया, सच में काफी कुछ कंफ्यूजन है, या कल इसकी शायद दोबारा रिकॉर्डिंग जरूर सुननी पड़ेगी ऐसा लग रहा है पूरा क्लैरिटी के लिए। लेकिन एक चीज, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें इस जो आज समझा हमने, इसका और क्या एडिशन है, मीन्स इसका भी हमने क्या और समझना है कि इसको ऐड करने, क्या एडिशन होगी कुछ, या उसी की और अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ। और डीपर क्लियर और अंडरस्टैंडिंग कि आत्मा के मन के कई लेयर्स हो सकते हैं, राइट। एक थिंकर भी है जो थॉट क्रिएट करता है, कि आत्मा आज जितनी भी थिंकिंग चल रही है, एक होता है मैं ये थॉट ही नहीं हूं, ये भी थिंकर ही बोल रहा है। डज दैट मेक सेंस। जब बोलता है ना मन, ये थॉट भी मैंने, ये थॉट भी मैंने, ये थॉट भी मैंने, ये भी कौन है, थिंकर ही बोल रहा है, ये भी थिंकर बोल रहा है। फिर फीलिंग भी कोई आ रही है, ये फीलिंग भी मैं नहीं हूं, ये फीलिंग भी मैं नहीं हूं, वो फीलर ही बोल रहा है। आत्मा के पास शब्द ही नहीं है। आत्मा क्या करती है दीदी इसमें, सिर्फ देखती है। साइलेंट ऑब्जर्वर है, विटनेस, साइलेंट विटनेस, नथिंग मोर, विटनेस ऑफ नॉट जस्ट दीज फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, विटनेस है कि ये सब डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एक ही थॉट को हमने और खोल के देखा है। थॉट के अंदर ही थिंकर है, थॉट के अंदर ही फीलर है, थॉट की पैकेजिंग में ही एक्सपीरियंसर है, थॉट की पैकेजिंग में ही डूअर है, और थॉट की पैकेजिंग में ही सफरर है। ये थॉट के अंदर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, तो उसको समझना है और फिर छोड़ देना है। जैसे अगर आप हम का ये आपके साथ जैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग का समझ में आ, जैसे अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, जैसे अब आत्मा को लग रहा है कि कुछ क्लियर हो रहा है, लेकिन अब ये अंडरस्टैंडिंग को इससे कैसे, मतलब ये जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं इससे कैसे समझ में आएगा कि ये कौन किसकी वो है। हाँ, तो यही है ना। तो ना तो आपको कोई फीलिंग से प्रॉब्लम है, चाहे मन कितना भी उदास है, बॉडी में कोई भी फीलिंग है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अनुभव भी आ रहा है माइंड बॉडी में, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सक्सेस सूक्ष्म है, डूअर या सफरर, यहाँ पे आत्मा मेजोरिटी टाइम फंसती है, राइट। तो ये डूअर पे ध्यान देना है, मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, ये भी एक डूइंग है। पुरुषार्थ का आउटकम भी बाबा को सरेंडर, जैसे पुरुषार्थ के लिए ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाली लेयर्स क्रॉस हो गई अगर, तो ये अब नेक्स्ट लेयर पे पहुंचे हैं ऐसे। हाँ, ये डूअर लेयर है, ये ईगो लास्ट में जाने वाला ईगो, ये नंबर 99 वाला है स्नेक्स एंड लैडर में ये।
यहां पे ध्यान रखना। ये बहुत चिपका हुआ है, ये डूअर ऑफ एक्शंस। एक्चुअली दीदी, जैसे अगर आत्मा साइलेंट ऑब्जर्वर है, अगर मन देर मन खुशी ले रहा है, या मन कोई चीज ऐसा लग रहा है कि हाँ बड़े अच्छे समझ में आ रहा है, या कुछ हमारे कर्मों में आ रहा है, या कुछ भी हो रहा है, आत्मा उसको भी देख रही है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये भी स्क्रिप्टेड है या ये बिल्कुल सब कुछ, सब आत्मा बिल्कुल साइलेंट। परम धाम में क्या है आपके पास, आप बताएं। नो थॉट्स नो फीलिंग्स नो इमोशंस एनी एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं है। एनी डूइंग, कुछ भी नहीं है, अनादि स्वरूप। नो डूइंग, चलते चलते डूइंग का आभास होता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ डूइंग आ गई, शरीर हिलता है तब तब। जैसे बॉडी हिलती है और आत्मा फील करती है कि मैं इस बॉडी को यूज करके चल रही हूं, तो ये भी फिर डूइंग हो गई हाउ ऐसे। मच टाइम, हाँ ये डूइंग नहीं, हाउ मच टाइम, बॉडी को यूज करके चल रही है वो तो ठीक है, पर हाउ मच टाइम, मैं कितना दिन में कितनी देर बॉडी को यूज करके चल रही है, या बॉडी मुझे चला रही है। नहीं, ये समझ में नहीं आया दीदी, आपने क्या बोला ये हाउ मच टाइम वाला पॉइंट? हाउ मच टाइम, मैं आत्मा अवेयर हूं कि बॉडी को यूज करके चल रही हूं, या पर्सन आइडेंटिटी ईगो माइंड ही बॉडी को चला रहा है, एक्शन में आप भी गए पता भी नहीं चल रहा है कौन चला रहा है बॉडी को। जो हम साधारणता की बात करते हैं, हाँ थॉट्स वगैरह जो चलाते हैं ना बॉडी को, पता नहीं चल रहा है हमें, बस एक्शन करना है इसलिए कर रहे हैं, अंदर भान कुछ और है, आत्मिक भान नहीं है। इसीलिए दादियों की जो प्रैक्टिस थी 14 साल, वो सिर्फ इसी पे थी, बॉडी को कौन चला रहा है, माइंड को कौन चला रहा है, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, यही तो प्रैक्टिस थी मेन उनकी। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज हैपनिंग मोमेंट बाय मोमेंट। अगर जिस मोमेंट में आप साक्षी हो के नहीं देख रहे हैं ईगो माइंड को, तो ईगो माइंड आपको चला रहा है उस वक्त। इतनी देर साक्षी हो रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट रह गया। हाँ बस एक ही इंपॉर्टेंस रह गई है कि मैं आत्मा साक्षी होकर बोल भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, कर्म में भी आ रही हूँ, सब कुछ डूअर नहीं तो साथ में चिपका हुआ ही है। अभी मन बोल रहा है करना क्या है ना, करना ही क्या है, ये नहीं समझ में। सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने लास्ट डे तक सारी चिट्ठियां लिख के भेजी है, पर सेंस ऑफ आई वॉज दैट ऑफ अ सोल कंबाइंड विद गॉड, नॉट ब्रह्मा राइटिंग अ लेटर। बहुत अच्छी तरह से करेंगे और ज्यादा करेंगे, और क्योंकि वो थकाने वाला कौन है, ईगो माइंड थकाता है ना आत्मा के शरीर को, थकाता कौन है, डूअर। क्यों दादी जानकी एट द एज ऑफ 95 ऐसे चलती जिसको भाग रही है, क्यों? जैसे सोल इज रनिंग द बॉडी, नॉट ईगो माइंड, नॉट थॉट्स रनिंग द, मैं कितना चल रही हूं, मेरे को ये करना है, मेरे को फास्ट ये वो, मैं नहीं चल रहा। फास्ट करती थी बहुत, पर नो एक्शन कॉन्शियसनेस। तो क्या उन्होंने एक्शन करना बंद कर दिया, या ज्यादा किया उन्होंने एक्शन, ज्यादा ज्यादा किया, कैपेसिटी उनकी और बढ़ गई। एक यूरी गैलर है ना, यूरी गैलर एक वो है साइकस, वो बहुत फेमस है जो अपनी आंखों से विजन से वो चम्मच मोड़ देता था और ऐसा कुछ। हाँ दादी जानकी उनसे मिली, यूरी गैलर, और हमेशा वो एक ही बात कहता था, ये मेरी स्किल नहीं है। उसमें वो थी, एक पावर थी, उसकी पावर कम नहीं हुई टाइम के साथ। जनरली क्या होता है साधु संतों की और सबकी पावर टाइम के साथ कम हो जाती है, पर उसकी पावर कम नहीं हुई और ज्यादा बढ़ती गई। तो दादी जानकी ने एक बार उसको बोला, वो मिले थे, तो दादी जानकी ने उसको बोला, पता है तुम्हारी पावर क्यों बढ़ रही है, तुम्हारे में ईगो नहीं है।
अपनी स्किल का। इसलिए तुम्हारी पावर बढ़ती जा रही। जिस दिन ईगो शुरू हुआ वो घटने के रास्ते पे आ जाएगी, क्योंकि वो स्किल को कौन यूज कर रहा है? मैं यूरी गैलर बहुत स्किलफुल बहुत स्किलफुल हूं, फिर बोल रहा है हाँ भगवान दे रहा है, पर मैं यूरी गैलर हूं। क्लियर? कुछ कुछ लग रहा है दीदी, बाकी आज इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ, फिर कल पूछेंगे और आत्मा क्वेश्चन। की पर्सन आइडेंटिटी 100% डिसॉल्व अपनी उस स्मृति में, और ये माया माइंड अलग दिखेगा, बिल्कुल अलग दिखेगा आपको अपने आप से। अभी तो कई बार चिपकता है ना, मतलब कई बार नहीं दिखता, शायद ये बोल सकते हैं, वो चिपका ही हो गया इसका मतलब। हवा मतलब दिख ही नहीं रहा, हाँ दिखाई नहीं। तो वो धीरे 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 अलग होने लग जाएगा। और अब आपको बाबा करण करावनहार है वो फीलिंग क्लियरली महसूस होगी, क्योंकि आत्मा के पास ना थॉट्स है, ना वर्ड्स है, ना बॉडी है, ना कुछ है। तो क्या उसका अपना, कौन सी आइडिया और कौन सी थिंकिंग अपनी? माया माइंड बोल सकता है मेरा आइडिया, मेरी थिंकिंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग, और आत्मा देख रही है उसको कि ये आत्मा जो कि बिल्कुल है ही नहीं, उसके वो देख रही कैसे ये माइंड बोलता है, कैसे ये डूअर बोल रहा है। हाँ, सही ये थोड़ा सा कुछ सेंस। इतना क्लियर होने लग जाएगा, इतना अलग अलग होने लगेगा। होता जाता है ना, ऐसा लग रहा है अभी कुछ पकड़ में आ गया, ये लग रहा अभी बहुत लंबी नहीं, ये लंबी रस्सी भी एक संकल्प है जो आत्मा उसको, साक्षी हो गया देखिए। तो इन आत्माएं जो दादियों के पीछे आत्माएं हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा के पीछे जो आत्माएं हैं, उनकी प्रैक्टिस क्या थी? बस साइलेंस में चले जाओ, सारा टाइम यही बोलते थे, अंतर्मुख साइलेंस में चले जाओ। जैसे दीदी आपने मेडिटेशन में साइलेंस वाला पार्ट बोला आज कि आत्मा साइलेंस में रहती है, तो अभी तो हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं बैठते हैं, तो मतलब मैं यूज करती हूँ पॉइंटर्स, तो साइलेंस में बैठेंगे तो उसमें क्या करना होता है फिर? मैं जो पॉइंटर यूज कर रही हूँ वो डूअर है। हाँ, वो डूअर बन गया। हाँ ऑटोमेटिक बन गया। ऑटोमेटिक डूअर बन गया। मैं कौन जो पॉइंटर यूज कर रही हूँ? मेरे पास तो पॉइंटर ही नहीं, तो कौन हूं मैं जो पॉइंटर यूज कर रही हूँ? वो है डूअर। सी कितनी ये गहरी है डूअर की फीलिंग हम सब में। हाँ ये डुअर आ गया ना, अब वही समझ में आ रही है बात इस। तो फिर क्या करना इसको फिर दीदी, क्या करना मतलब ये मन होगा? अपने सर्कल दिए जा, बाबा उसको यूज कर रहा है, बाबा भी मन को यूज कर रहा है ना, तो वो अपने संकल्प दे रहा है, पर मुझे जरूरत है किसी चीज की, वो बाबा मुझे दिखा रहा है। साइलेंट प्रेजेंस, फिर कोई फीलिंग भी आ रही है, अच्छी बुरी सब आ रही है, वो भी किसकी तरफ पॉइंट कर रही है? वो मेरे बिना एग्जिस्ट कर सकती है? मीन्स अभी ऐसा बोल रहे हैं कि मैं पॉइंटर्स को यूज कर रही हूँ और फिर वो पॉइंटर्स अपने आप आ रहे हैं, आत्मा उनको देख रही है, ये डिफरेंस बोलना चाह रहे हैं? पॉइंटर्स यूज हो रहे हैं, बाबा मन को यूज करके पॉइंटर दे भी रहा है ना, पर सारे पॉइंटर्स, एक एक वर्ड, एक एक थॉट जो कि हमने ह्यूमन माइंड से समझा है, भाषा भी तो ये फिसलाने वाली चीज है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। अभी एक भाषा है जो ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है, राइट? अब मैं आत्मा उस भाषा को भी साक्षी होकर देखती हूँ। कोई भी भाषा मेरा ट्रुथ नहीं है, पर क्योंकि माइंड की वो जो भाषा है वो मेरे साइलेंट ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रही है, भाषा लेस ट्रुथ की तरफ, वो मैं कुछ कर नहीं रही हूं, कुछ भी नहीं कर रही हूं, वो आत्मा मैं हूं। अब वो आत्मा बॉडी को यूज करेगी, वो आत्मा माइंड को, बुद्धि को, संस्कारों को, सबको यूज करेगी, जब वो बाबा का संस्कार और संकल्प लेकर उसको एक्शन में ला रही। तो ये खेल डूअर के वहां पे सूक्ष्म हो जाता है। तो जिसने डूअर को समझ लिया ना, तो वो एकदम नम्रता, ह्यूमिलिटी, वो उसका नेचुरल नेचर, ह्यूमिलिटी विद पावर।
नॉट ह्यूमिलिटी सबसर्वियंस वाली, बट ह्यूमिलिटी अंडरस्टैंडिंग नथिंग इज माइन, मैं शेयर भी कर रही हूँ कुछ मेरा नहीं है, पर माया मन पीछे से बोल सकता है पर ये तो मेरा है, तो मेरा अनुभव है, पीछे से बोल रहा है, पीछे मतलब आगे पीछे नहीं है माया माइंड, पर माया माइंड अंदर ही अंदर बोल रहा है, अंदर बोल रहा है, पर वो मुझे बहुत दूर लग रहा है, बहुत दूर लग रहा है, उसे मेरा अपनापन बिल्कुल भी नहीं है, फेमिलियरिटी ही नहीं है माया के संकल्पों से मेरी, दिख रही है पर फेमिलियरिटी नहीं, स्ट्रेंजर लग रहे हैं वो मुझे, वो फॉरेनर लग रहे हैं, हाँ तो फिर ये वाली फीलिंग नहीं आई ना अभी, इसका मतलब वो डुअर्स में फंसे हुए हैं। क्योंकि डूअरशिप में। और जब कभी आप कभी हम अनुभव कभी में भी भी फंस, अनुभव सुनाते हो तो आप वो साक्षी होके बोल रही हो, हमेशा बोलते हो, और ये सोचती है इस लाइन का क्या मतलब, मतलब आप हमेशा बोलते हो ये वर्ड, साक्षी होके सुना रही है ये ऐसे ऐसे ऐसे, आज इसका मतलब समझ में आ रहा है, शायद वो डुअर वाली फीलिंग से भी हटना। हाँ कम जी, पुनः मैं वो हो एक्सपीरियंसर हूँ जिसने वो गई। एक्सपीरियंस किया। किसी का माइंड ओपन है, हाँ ना? तो मैं वो साइलेंट ऑब्जर्वर हूँ जो एक्सपीरियंसर को भी देख रही हूँ, वो एक्सपीरियंस जो हुआ था साक्षी होके बताना जरूरी है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस से भी आइडेंटिटी होगी सूक्ष्म में। डूअर ऑफ दैट एक्सपीरियंस, फीलर ऑफ दैट एक्सपीरियंस, बेटर देन अदर्स एक्सपीरियंस। हाँ जी, ये तो अब दिख रहा है कि डुअर वाली बात नहीं फंस रहे हैं शायद अब। मेरा अनुभव इसके अनुभव से बेटर। ये सारे सूक्ष्म सूक्ष्म माया है, या उसका अनुभव, इस दो जनों के अनुभव, इसका अनुभव बेटर था, इसका इतना अच्छा नहीं था। या अपने आप को भी नीचा सोच लेते, उसका अनुभव ज्यादा अच्छा है, मेरा इतना अच्छा नहीं हो पा रहा, बोथ फेज तो ही आ दोनों सकता। तरफ, दोनों एक मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं ये। है ना? इसका कल एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर आपके साथ शेयर से। इसलिए आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा किसी की तारीफ नहीं करती है ना? यही रीजन है, क्योंकि हर आत्मा का अनुभव उसके लिए वो ही एक्यूरेट है, वो तारीफ लायक। कौन होता है? मेरा मन बोलता है हाँ इसका अनुभव अच्छा है, इसका अनुभव इतना अच्छा नहीं है, वाह 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 इसका तो बहुत बढ़िया है। ये सारा क्या है? ये सब पर्सनल आइडेंटिटी, ये सब डूअर को फीड कर रहा है, कहाँ फंस रहे हैं हम? किसी की तारीफ करके हम उसको भी और फंसा ही रहे हैं। सारे ओ यू आर सो गुड, यू आर सो वंडरफुल, खुद भी फंसे हुए उसको भी, सामने वाले के तो ऊपर एटलीस्ट है कि अगर वो नहीं फंसना चाहे तो फंसे भी नहीं, अगर वो अवेकंड है तो। मैं तो बच जाऊंगी, तुम लोग नहीं शायद मैं तो बचूंगा। बच जाऊंगी, तुम फंसो तो फंसो, मैं तो बचने वाली हूँ। तो ज्यादा किसी की तारीफ वारीफ भी नहीं फंसना उसमें, न तारीफ करना, न तारीफ में ज्यादा ध्यान लेना, न देना। जो तारीफ करते हैं वो भी कहीं ना कहीं हीन भावना में है, और जो तारीफ लेते हैं वो भी हीन भावना में है। और जो तारीफ लेगा वो तो निंदा से एब्सोल्युटली अफेक्ट होगा ही होगा। है ना? थोड़ी थोड़ी स्टेप अप्रिशिएट हाँ करना अलग है, अप्रिशिएट भी क्या है, उसमें भी तारीफ मिक्स हो जाती है, ये सब करप्शन आ जाता है उसमें। बस थैंक यू जितना अप्रिशिएट बोलना है वो कर लो, उससे ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं। हर एक का अनुभव एक्यूरेट है, अब आपको जो अनुभव हो रहा है वो आपके लिए एक्यूरेट है, जो आपको नहीं हो रहा है वो आपके लिए नहीं, अनुभव भी एक अनुभव है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हाँ, आपको अनुभव नहीं हो रहा है वो भी एक अनुभव है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका होना इंपॉर्टेंट है। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ उसका बेटर उसका वर्स, ये किसकी भाषा है?
किसकी भाषा है ये? माया मन बोल रहा है, जो खुद ही डूअर, अनुभव, एक्सपीरियंस सबसे अटैच्ड है, वो दूसरों में भी फिर यही देखता है। परमात्मा ने दिया जो चीज, जब जरूरत थी तब दे दी, इसमें अच्छी बुरी की क्या बात है? नहीं हो रहा है वो, उसमें भी कुछ अच्छा है, उसमें भी कुछ अच्छा है। हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। नो एक्सपीरियंस इज ऑल्सो इक्वली वैलिड एक्सपीरियंस। ठीक है, या थैंक यू। गेम थोड़ा सूक्ष्म होता जाएगा, ओके? पर एंजॉयमेंट तो तभी है ना। ठीक थैंक यू। अभी शेल वी एंड टुडे, 2 मिनट साइलेंस। जिनके भी हैंड्स रेज हैं, कल चैट खुलेगी, प्लीज आप कल चैट में डालिएगा क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस चैट में डालेंगे ना तो सबको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू आपके पेशेंस का। रियल तारीफ वो है जो सर्व आत्माओं को अप्लाई होती है इक्वली। बाकी देहभान में फंसने की तारीफ है। ना इनकरेज करना उसको, ना उसमें फंसना। सो